कन्याकुमारी भारत के सौदर्न टिप पर स्थित एक खूबसूरत कोस्टल सिटी है। मनमोहक नीला समुद्र, ऐतिहासिक विवेकानंद रॉक और तिलुवल्लुवर स्टैचू कन्याकुमारी को भारत में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। कन्याकुमारी का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी सड़क और रेल द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। इंडियन रेलवे कन्याकुमारी को प्रमुख भारतीय शहरों से जोड़ती है। आप नागेर क्वाइल के लिए ट्रेन भी ले सकते हैं, जहां से कन्याकुमारी के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन के पास कई होटल और ठहरने के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम साउथ इंडिया के एंड कन्याकुमारी आए हैं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कन्याकुमारी के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस को। कन्याकुमारी में फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है। फ्रेंड्स, ये पोमपुकुर शिपिंग कॉर्पोरेशन है, यहाँ से आपको जेटी मिलेगी जो आपको विवेकानंदा रॉक तक ले जाएगी। पोमपुकुर बोटिंग पॉइंट रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बोटिंग पॉइंट से फेरी के टिकट खरीदे जा सकते हैं। अभी हमारी बोट आ चुकी है। फ्रेंड्स, अभी हम फेरी में उठ चुके हैं और फेरी में लाइफ जैकेट भी दी गई सभी को सेफ्टी के लिए। गाइस, अभी बोट चलना स्टार्ट कर दी है। बोटिंग पॉइंट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक पहुंचने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। गाइस, अभी हम विवेकानंद रॉक पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद मेमोरियल में प्रवेश करने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। कन्याकुमारी में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक इस रॉक को पवित्र होने के साथ साथ एक वास्तुशिल्प चमत्कार भी माना जाता है। इस रॉक में विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम दो दर्शनीय स्थल हैं। इस रॉक पर 1970 में स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल बनाया गया था। यह भारत के महान नेता स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे। स्वामी विवेकानंद ने 1852 में शिकागो जाने से कुछ दिन पहले इस रॉक का दौरा किया था और यहां 2 दिनों तक ध्यान किया। एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस विवेकानंद मंडपम का डिजाइन बेंगलुरु में स्थित श्री रामकृष्ण मंदिर के समान है। मेमोरियल के अंदर स्वामी विवेकानंद की एक विशाल प्रतिमा है। इस रॉक का बड़ा धार्मिक महत्व भी है। यह वह स्थान है जहां देवी कन्याकुमारी ने अपनी तपस्या की थी। फ्रेंड्स, अभी हम विवेकानंद रॉक पहुंच चुके हैं और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। इस मंडपम के अंदर देवी पार्वती की पैर के निशान है। अब
अभी हम रिटर्न बैक जा रहे हैं और रिटर्न बैक जाने के लिए आपको सेपरेट टिकट नहीं कटाना पड़ता है, सेम टिकट में आप रिटर्न जा सकते हैं। कन्याकुमारी में संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा एक और पॉपुलर अट्रैक्शन है। यह प्रतिमा प्रसिद्ध पोएट और फिलोसोफर संत तिरुवल्लुवर के सम्मान में बनाई गई थी। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा अपने पेडिस्टल के साथ लगभग 133 फीट ऊंची है। कन्याकुमारी में मिस्मराइज करने वाले बीचेस हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम कन्याकुमारी बीच आए हैं और ये बीच विवेकानंद रॉक के पास में ही है। सो अगर आप विवेकानंद रॉक आते हैं तो यहाँ जरूर आए। झिलमिलाती रेत के विशाल फैलाव और तीन महान महासागरों के संगम को प्रस्तुत करते हुए कन्याकुमारी बीच यहाँ के सबसे पॉपुलर बीचेस में से एक है। यह बीच हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन बिंदु है। त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में श्रद्धालुओं के उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। कन्याकुमारी बीच पत्थरों से भरा हुआ है और यह स्विमिंग के लिए आइडियल नहीं है। समुद्री लहरों में खेलते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। यह बीच बैठकर दृश्य की प्रशंसा करने के लिए आइडियल है। नेक्स्ट हम महात्मा गांधी मंडपम आए हैं और ये मंडपम कन्याकुमारी बीच के पास में ही है। महात्मा गांधी मेमोरियल महात्मा गांधी के सम्मान में बनाया गया था, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। यहाँ कोई एंट्री फी नहीं है। हालांकि मेमोरियल के बाहर जूते रखने के लिए आपको 1 रुपए का भुगतान करना होगा, क्योंकि मेमोरियल के अंदर जूते ले जाने की अनुमति नहीं है। अभी हम मंडपम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड काफी सारे पोर्ट्रेट्स वगैरह है। महात्मा गांधी ने 1925 और 1937 में तमिलनाडु की कोस्टल सिटी कन्याकुमारी का दौरा किया। 1948 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी राख को 12 अलग अलग कलशों में रखा गया ताकि उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरित किया जा सके। इनमें से एक कलश कन्याकुमारी लाया गया था। विसर्जन से पहले इसे जनता के अंतिम दर्शन के लिए इसी स्थान पर रखा गया था। फिर अस्थियों को कन्याकुमारी के जल में विसर्जित कर दिया गया। बाद में महात्मा गांधी मेमोरियल, जिसे गांधी मंडपम के नाम से भी जाना जाता है, यहां बनाया गया था। यहाँ पर सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। मेमोरियल के ऊपर से आसपास का दृश्य बहुत ही लुभावना है, इसीलिए समय निकालकर गांधी मेमोरियल घूमने जाएं। अभी हम आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च आए हैं और ये चर्च काफी पॉपुलर है कन्याकुमारी में। आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च एक कैथोलिक चर्च है जो मदर मैरी को समर्पण में बनाया गया है। 15वीं शताब्दी में बनाया चर्च गोथिक आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। चर्च के अंदर मदर मैरी की प्रतिमा रखी गई है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।